दोस्तों आज हम कर रहे हैं तीसरी प्रश्नावली और ये इस अध्याय की सबसे टफ प्रश्नावली मानी जाती है। ना जाने क्यों, मुझे पता नहीं, मैं बताता हूं इसलिए जया कि इसके हर सवाल में दिमाग लगाना पड़ता है। हर सवाल में क्या लगाना पड़ता है? दिमाग। सो बच्चे परेशान हो जाते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके लिए इतनी बेहतर एनिमेशन और इतनी बेहतर चीज़ें लाऊं कि आप सीख सकें, फिर भी विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है, विदाउट कॉन्सेंट्रेशन तो इम्पॉसिबल है। आज मैं आपको दो सवाल कराऊंगा एग्जाम्पल के, जो पेपर में भी बहुत आते हैं और बहुत टफ माने, इसमें अभी इसके बाद जो एग्जाम्पल पाँच के पहले एग्जाम्पल चार करेंगे, इसके बाद जो वो तो बहुत ही टफ माना जाता है। तो क्या आप तैयार हैं भैया इस टफ चीज़ को सही करने के? अगर कोई कहेगा ये अध्याय में नहीं मान हो रहा, नहीं पढ़ना, तो लोग कम से कम एग्जाम्पल पढ़ के तो जाते हैं कि एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये सब छोड़िए, आकृति में ये जो आकृति आपके सामने बनी है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। सभी को वर्ग का क्षेत्रफल आता है? क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर, भुजा गुणित का भुजा, आता है। तो इस सवाल को समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। देखिए बेटा ध्यान समझो, जितनी स्टेप कर सको, मैं आपको हर सवाल समझाऊंगा, तुम जितनी स्टेप कर सको उतने नंबर तुम्हें मिल जाएंगे ऋषभ, ठीक है। ये बन गया ए बी सी डी वर्ग। बेटा बुक सबके पास है? yes, ताकि अपन मिलाते जाएंगे भाई। चलो अब यहाँ देखो, अरे ऊपर देखो, जब मैं बोलूँ तब यूज करना। वर्ग ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा, मतलब सब भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक मतलब हर एक भुजा कितनी है? इसको अपन बोलेंगे अमन स्मॉल ए। आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर नॉर्मली वर्ग की भुजा के लिए क्या यूज करते हैं? स्मॉल ए बराबर 14। इतना समझ में आया? अब निकाल लो वर्ग का क्षेत्रफल। ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर, प्रथमेश 14 का स्क्वायर 196, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आप देखो ध्यान से, ये क्षेत्रफल होता क्या है? देखो ये भर गया, ये इतना पूरा एरिया जिसमें आपने रंग भर दिया है, ये कहलाता है क्षेत्रफल, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा रंग का खर्चा हो जाएगा आपका। अब इन्हें किया क्या है, इन्होंने इसमें मैथिली चार वृत्त बना दिए, मतलब ऐसे आपने एक रोटी बेली चौकोरा आकार की उसमें फुल्की वाले कट लगा दी। फुल्की बना दे, बनी फुल्की, ऐसे फुल्की बन देगी, बनते नहीं देगी। तो ये एक कट, ये दूसरा कट, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये एरिया तो क्या हो गया, अपन ने काट के बाहर निकाल दिए। और आपको निकालना है छायांकित भाग, मतलब जितना ये छायांकित, मतलब भरा हुआ, इसको अपन ने छायांकित किया है, भर दिया है। समझ में आया? तो बताओ कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले तो ये चारों वृत्त एक से हैं, सबसे पहले तो प्रथमेश ये चारों वृत्त एक से हैं, तो किसी भी एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसका कर दो चार गुना, तो आ गया चारों वृत्त का क्षेत्रफल। और फिर उसको वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर दो? माइनस। समझ में आया? तो जब काट के निकालते तो माइनस, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक चीज बना रहे तो उसमें एक चीज की चीज ऊपर वृत्त लगा दिया, तो उसमें प्लस भी करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ ये सवाल तो समझ आ गया होगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अमन अपन को चाहिए त्रिज्या, ठीक है। तो अब थोड़ा कठिन है, भुजा 14, सही है अमन? 14। तो आप मुझे बताओ ये 14 है, तो यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है? पक्का? तो ये आधी कितनी हुई? तो ये भी 7 और ये भी 7। नहीं आया समझ में? तो बुक में ये नहीं किया गया, लेकिन आपको ये करना है ताकि लोगों को समझ में आए। आपको यहाँ पे 14 भी लिखना है और यहाँ पे 7, ऊपर भी लिख सकते हैं 7-7। तो 7 और 7 कितने? अब बताइए क्या ये 7 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या है? अमन बताएगा क्या है ये? तो डायामीटर है, व्यास है। तो प्रत्येक वृत्त का, प्रत्येक मतलब हर एक वृत्त का व्यास 7, त्रिज्या 7/2। अब क्या बचा? क्षेत्रफल। तो अब आराम से, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, पाई का मान 22/7/2, ठीक है। ये आ गया 77/2। अमन ये निकलवाया है? 7/2 ऊर्जा निकलवाया कि नहीं निकलवाया? तो ये कितना आ गया? 77/2 हो जाएगा। 2 से क्या काट लेना मन? 22। 7 से क्या काट लेना? 7। इसको देख के मत करना, आप अपना करना। 2 से 2 11, 7 से 7 11/7/2 आ जाएगा। पर ये काय का मन? एक वृत्त का।
हमें काय का निकालना है? तो चारों व्रत का क्षेत्रफल चार व्रत का 77/2, दो एकम दो दूनी 77 दूनी 100। तो अब अपन निकालेंगे छायांकित क्षेत्र का 196 पूरा था माइनस 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आया किसी को समझ? पक्का समझ में आ गया एकदम? नहीं आया? अमन आ गया सभी को समझ में बेटा? तो ये इजी है एकदम के नहीं? तो इजी है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लो इस बार आना ही आना है। तो चलिए कर बेटा, हम एक बहुत जरूरी सवाल करने वाले हैं और ये इतना टफ है कि बुक में भी दो दो मेथड दिए हैं, पर सारी मेथड बनना मुझे नहीं लगता पॉसिबल। आपको जो अच्छी लगे आप वो करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? समझिए मेरी बात को। एक आकृति दी गई है यहां पर, उदाहरण चार कर रहे हैं। ये सवाल की सिंसियरिटी आपकी बताइए कि आप कितने सवाल इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। मुझे लगा कि लापरवाही चले तो मैं इंपॉर्टेंट करके थोड़े थोड़े करके आदमी को पूरे करने, तो इस सवाल से क्लियर होगा। इसमें 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन, ये ए बी सी डी है, 56 वाला एक सेकंड में क्षेत्रफल निकल जाएगा, मन कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी, मतलब यहां पे अमन उन्होंने ये एक्स्ट्रा कर दिया है, ये वृत्त खंड है अमन, क्या है? और आपको टोटल क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल क्षेत्रफल। कोई प्रॉब्लम? बताइए बताइए, कुछ बोल रहे थे आप, पूछो तो। सर बोला ना किसी ने पूछने? चलिए एग्जाम्पल नंबर चार समझ पा रहे हैं क्या है? तो ये भरा पूरा नहीं, पर ये पूरा एरिया निकालना है। तो काफी लोगों को लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे नहीं आता। सबसे बड़ी बात है पिछली बार इतना सरल था कि 14 की वो मीन है कि आप त्रिज्या निकाल लें। क्या निकाल लें? अब आप अक्कल के दुघले दौड़ाएं, त्रिज्या निकालेंगे, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे, तब आएगा वृत्तखंड का। हाँ ये अच्छी बात है कि जो इस वृत्तखंड का आएगा वो इस वाले। तो मुझे ये प्रोसीजर लेंथी लगती है, तो मैं क्या करने वाला हूँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कितने लोगों को आता है वर्ग का विकर्ण? केवल वैशाली को, और किसी को नहीं आता? आदर्श देख लो भैया, बहुत दिन से आया नहीं होता। चलो बेटा अभी अपन क्लास अभी सवाल के बाद डिस्कस करेंगे, ओके? ये इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? ए है, सभी को पता है। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ए गुणित का ए कितना होता है? ए स्क्वायर। अब बच्चों ये जो है ये कहलाता है अपना विकर्ण। क्या कहलाता है? ये अपन को निकालना है। तो बेटा एक प्रकार से विकर्ण जो है वो कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर। वर्ग उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल। ए स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बाहर आ गया ए कर्णी 2। कितने लोगों को पहले से पता था? लेकिन देखो याद तो नहीं था। सोचो ऐसे बच्चों को जिनको बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है, आप ये चैप्टर्स पढ़ा रहे जो इतने टफ हैं, आप कितना भी किसी को दोष दे लीजिए, कितना भी दे लीजिए, रिजल्ट किसका बिगड़ेगा? आपका ना। बात को समझिए आप, पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप। दोस्तों ये आपके सामने आपका वर्ग है ए बी सी डी, ओके? 56 मीटर इसकी प्रत्येक क्या है? भुजा है। हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर, ये इसका क्या है? विकर्ण। क्या विकर्ण एक ही होता है? लेकिन एक खास बात है, एक खास प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान है, दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्या होंगी? बराबर। और दोनों विकर्णों के बीच का कोण होगा 90 अंश। वर्ग के दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। कैसे होते हैं? ये और ये लंबवत होते हैं। 90 अंश का क्या होता है? कोण। ये वर्ग की प्रॉपर्टी है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अंतुल सबसे पहले अपन ये निकालेंगे, क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्र निकल आएगा। अगर ये कोण पता हो, ये कोण कितना होता है? 90 अंश। ये प्रॉपर्टी है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते, तो ये क्षेत्रफल निकल आएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बस क्या चल जाए पता? त्रिज्या चलेगी। हम निकालेंगे विकर्ण,
क्या निकालेंगे? और बिकाइन का कर देंगे आधा, तो आ जाएगी त्रिज्या। देखा कितना दिमाग लगाना पड़ता है। फिर अपन क्या करेंगे वैशाली? इसका निकालेंगे। अब बचा क्या? ये त्रिभुज और इन दोनों का निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे, बात खत्म। नहीं आया समझ में? तो इतना आप इसलिए सोच पा रहे हैं कि एनिमेशन दिखाया हुआ है। किसी को समझ में आया क्या करने वाले अपन? ये वर्ग बना लिया, ये वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण। अपन को एक इसका निकालना है क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का। निकल आएगा कैसे? निकल आएगा देखो, कोण तो कितना होता है? 90। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक त्रिज्या अपन कैसे निकालेंगे? विकर्ण निकाल लो, उसका कर दो आधा, तो क्या आ गई? त्रिज्या। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड आ गया, तो नीचे वाला भी आ जाएगा। आ जाएगा नीचे वाला। बस अब बचे ये दोनों त्रिभुज, ये भी निकल आएंगे। आधार है अपने पास, और ये रही ऊंचाई 56 की आधी 28। नहीं आया सामने? तो त्रिभुज का भी आ जाएगा। और दिमाग में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि हम निकाल सकते हैं? ठीक है, जो 3 घंटे मैंने इस एनिमेशन वेस्ट किए ताकि हमको कॉन्फिडेंस आए। कितने लोगों को लगता है कि अपन कर पाएंगे? सबसे पहले क्या निकालना चाहिए अपन को? वर्ग का विकर्ण। क्यों? उसका आधा करेंगे तब तो क्या आएगी? त्रिज्या। चलिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा 56 मीटर, विकर्ण की लंबाई मतलब AC, AC 2, 56 2, त्रिज्यखंड OAB की त्रिज्या, OAB की त्रिज्या OA क्या आएगी? इसकी आधी। किसकी आधी? विकर्ण की। विकर्ण कितना आया? 56 2। अमन, 56 2 का आधा कितना हो गया बेटा? 28 2। समझ आया? त्रिज्यखंड OAB का केंद्रीय कोण कितना होगा? और यहाँ रीजन लिख देंगे, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। समझ आ रहा है? थक गए? अब निकाल लेंगे त्रिज्यखंड OAB का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई का मान आर पे स्क्वायर लगा है, 28 2 28। बेटा आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इससे मुझे एक सीख मिलती है कि काहे परेशान हो रहा है। कल से पेन से बना के बता दीजिए उनको, आए समझ में, ठीक नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए वैशाली, 90 बटे 360, चलिए 7 × 7 = 28, 22 4 घंटे, कोई दिक्कत? 28 2 अमन, 0 से 0, 9 × 1 = 9 = 36, खत्म। 4 से 4 22, 28 करनी दो, करनी दो 2, 1232। समझ में आया? अब अपना इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है, बताओ इसका कितना होगा? 1232। दो तो आ गए, अब बचा कौन सा? मन कोई भी एक त्रिभुज का निकाल लो, उसका क्या कर देना? डबल। आप देखिए क्या बुक में ऐसा समझाया है? बुक में तो एग्जांपल दिया है ना। तो बेटा अब मुझे थोड़ी की वैशाली कीर्ति लोगों को पढ़ाना, मुझे सबको पढ़ाना, उन लोगों को भी पढ़ाना जो बस बैठे बैठे कहो ये क्लास खत्म। तो बेटा वो पेपर में देख लेना, और क्या है। चलिए, इसी प्रकार त्रिज्यखंड ODC का क्षेत्रफल भी 1232 मीटर स्क्वायर। अब वैशाली अपना काम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिख गया ये? इसका क्षेत्रफल अपन को निकालना है। अमन, इसका आधार क्या है? आधार त्रिभुज OAD, नाम सही लिखा है? का आधार AD बराबर ये क्यों चाहिए? तो क्यों चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई AB/2। AB देखो, ये AB है वैशाली 56, और उसके आधे में क्या हो जाएगी? ऊंचाई 56/2 28 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समझ में आ रहा है अंजुल? अगर एक पल के लिए भी ध्यान हटाया है तो सवाल गया। आप में से बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है? टफ है कि नहीं? लेकिन कोई कमी रख रहा हूं मैं किसी प्रकार से? अब बेटा आप बातें करोगे तो कैसे बने? हम देख ही रहे जब से 56 ऊंचाई 28, दो से कितनी बार कट जाएंगे? 56 28 28 7 7 4 7। जय प्रताप, इसी प्रकार OBC का क्षेत्रफल 7 7 4, संपूर्ण क्षेत्रफल त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, ODC का क्षेत्रफल और दोनों त्रिभुज का क्षेत्र 1232 1232 784 7, सबको जोड़ लेना 4032 मीटर स्क्वायर। नहीं आया सामने?